हांसी नगर परिषद के प्रांगण में राज्य कमेटी के आह्वान पर नगरपालिका कर्मचारी संघ के सदस्य कर्मी अनशन पर बैठे। अनशन करने वाले कर्मचारियों की अध्यक्षता सत्यनारायण द्वारा की गई। कर्मी अनशन पर सर्व कर्मचारी संघ के ब्लॉक सचिव ऋषि ढांडा ने सभी अनशनकारियों को माला पहनाकर धरने पर बैठाया। संघ के प्रधान विकास चंदा, सचिव प्रेमचंद तरसेम, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी विनोद जांगड़ा, संजय बामल भी बैठे गए। इस दौरान ऋषि ढांडा ने कहा कि सरकार 25 अप्रैल के समझौते को लागू करे। कोरोना वायरस से मौत होने पर 50 लाख की विशेष आर्थिक सहायता राशि, मृतक के आश्रितों को नियमित रोजगार, 4000 जोखिम भत्ता देने की व्यवस्था भी करे। और उन्होंने कहा कि 2 वर्ष के अनुभव के आधार पर सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। 1046 फायर ऑपरेटरों की भर्ती रद्द को, 1366 फायरमैन ओवर ड्राइवरों को 2268 फायर ऑपरेटरों के पद पर समायोजित कर नियमित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 12500 सफाई कर्मचारी व 1000 सीवरमैन तथा अन्य तृतीय व चतुर्थी श्रेणी के पदों पर नियमित भर्ती की जाए। इसमें ऐसा सर, जब से बीजेपी सरकार बनी है, बीजेपी सरकार के साथ हमारी केंद्रीय कमेटी की कई बार वार्ता हुई है। उन्हें हर बार आश्वासन दिया है और ये विश्वास दिलाया था कि हम ये काम करेंगे। तो कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की मांग थी, समान काम समान वेतन मान की मांग थी। और अब जो कोरोना चला हुआ है, इसके दौरान इन साथियों को मतलब सेफ्टी किट दें और इनको 50 लाख का बीमा कराया जाए और इनको सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन सरकार कुछ देने की बजाय काटने पे लगी हुई है सरकार, और ना ही इनको समय पे तनख्वाह दी जा रही। इन चीज़ों को लेकर के आज पूरे हरियाणा में हर नगर पालिका में फायर ब्रिगेड के और नगर पालिका के साथी कर्मी कंसल पर बैठे हैं। आज और कल 2 दिन बैठेंगे, इसके बाद 3 दिन की फिर 6, 7, 8, 3 दिन की हड़ताल करेंगे। फिर भी सरकार अगर बात नहीं आती है तो उसके बाद कोई बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। थैंक यू। मैं ऋषि के झांडा ब्लॉक सचिव। थैंक यू।